और थाने के अंदर कार्रवाई होती तो आज ये नरसंहार रुक जाता। घटना घटित होने के बाद आप इसको प्रेम प्रसंग से जोड़ दिए। इस तरह के कई घटनाएं हैं अपराधियों को बचाने का, एक लंबी राशि का लेन देन कर करके ये खेल लखीसराय के अंदर हो रहा है। और दारू के जमात के लोग, बालू से जुड़े लोग और जमीन माफिया, ये सिंडिकेट है और ये सिंडिकेट टारगेट करता है और टारगेट करके प्लानिंग करता है। आज बताइए कि जो नोटबुक जारी किया है, इस तरह का एक अपराधी जो पहले भी जेल गया है उसकी ये भाषा नहीं हो सकती। ये पूरी तरह से प्लान्ड है कि उनको 2000 में ही, 2020 में ही निकाल दिया गया। उसका फोटो किसके किसके साथ है कल उन्होंने जारी भी किया था, लोग देखे भी थे कि आरजेडी के महासचिव, प्रदेश के महासचिव के साथ, आरजेडी के प्रदेश महासचिव के साथ वो सम्मिलित है। लोग वो बता रहे थे कि वो उस पार्टी में सम्मिलित भी है। और ये फोटो स्पष्ट बताता है कि जिस लोगों को बचाने का जदयू के नेता का खेल खेल रहे हैं, जिसका नाम लोग ले रहा है कि अपराधी को भगाने की भूमिका निभाया, नगर परिषद के चेयरमैन है, अब उसके बेटे के साथ उस अपराधी की फोटो है। लखीसराय में जो नरसंहार हुआ, 3 लोगों की मौत हुई और 3 लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं, पीड़ित परिवार से हमने वहां मिला भी। और आज जो भर्ती है, इनमें 2 लोग की अभी भी गोली शरीर से नहीं निकला है, एक का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, एक की स्थिति गंभीर है। डॉक्टर से हमने बात भी किया है, उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उनसे जो बातचीत हुई है और उस बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि पिछले छठ में भी अपराधियों द्वारा इनके साथ बच्चियों से छेड़छाड़, धमकाने का प्रयास, मारपीट करने का प्रयास किया गया। और ये जाकर के अपने स्थानीय थाना में शिकायत भी दर्ज किया है और शिकायत पर कार्रवाई हुई होती तो आज ये नरसंहार नहीं होता। जिले में वही एसपी हैं, उस समय भी सत्ताधारी दल के लोगों के दबाव में कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने का खेल खेला गया। थाना पूरी तरह से एसपी के देखरेख में चलता है और थाने के अंदर कार्रवाई होती तो आज ये नरसंहार रुक जाता। एसपी कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं है, पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि छठ के समय यह घटना घटित हुआ था। अब सत्य कौन है ये तो उच्च स्तरीय जांच से पता चलेगा। घटना घटित होने के बाद आप इसको प्रेम प्रसंग से जोड़ दिए, उनके लोग, परिवार के सदस्य, कई स्थानीय लोग भी कहा कि लखीसराय स्टेशन प्लेटफार्म से सटा हुआ इनकी जमीन, कीमती जमीन पर ये जमीन माफियाओं की निगाहें टिकी हुई थी। पहले तो प्रयास किया कि बहू बेटियों को छेड़े,
तंग करें, बेच करके भागे, और जब उसमें सफल नहीं होता है तो घटना को इस स्तर तक ले जाएं। हमने मांग किया कि अगर जो उन लोगों का कहना है तो आप एक एंगल पर काम क्यों कर रहे, ये अलग एंगल है उस पर भी आप जांच कराइए। लेकिन पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में नजर आता है, और जब एसपी के कहने पर डीआईजी एक मृतक बच्ची का फोटो प्रेम प्रसंग का कई फोटो को सजा रहा हो और दिखा रहा हो, ये मानवता को लज्जित कर रहा है, और ये मानसिकता प्रशासन का दिखाई पड़ रहा है कि ये माइंड सेट कर लिए कि हमको और इधर उधर जांच नहीं करना, ये प्रेम प्रसंग कहके इसको दबा देना। इसके पहले भी लखीसराय के अंदर इस तरह की कई घटनाएं घटित हुई है। हमने पहले भी बताया कि पीट पीट कर जिसकी हत्या की गई, हॉस्पिटल गया उसको मृत घोषित किया और हार्ट अटैक कर करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दे दिया गया है। इसी एसपी के रहते परिवार के लोग छटपटाते रह गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, और इस तरह के कई घटनाएं हैं। अपराधियों को बचाने का एक लंबी राशि का लेन देन कर करके ये खेल लखीसराय के अंदर हो रहा है। जहां घटना घटित हुआ है, आज पीड़ित परिवार के सदस्य बता रहे थे कि वहां दारू का बड़ा माफियागिरी चलता है, वो दारू का अड्डा है, और दारू के जमात के लोग, बालू से जुड़े लोग और जमीन माफिया, ये सिंडिकेट है, और ये सिंडिकेट टारगेट करता है और टारगेट करके प्लानिंग करता है। आज बताइए कि जो नोटबुक जारी किया है, इस तरह का एक अपराधी जो पहले भी जेल गया है उसकी ये भाषा नहीं हो सकती, ये पूरी तरह से प्लान्ड है। और आज सत्ताधारी दल के लोग प्रेस करते हैं, वो फोटो दिखा रहे हैं कि विजय सिन्हा के साथ एक जमीन माफिया जिसको इन्होंने इसके मकान में रहता था पकड़ा है, एक साल पहले रहता था, अभी तो दूसरे के मकान में। अरे हम तो जन कल्याण संवाद करते हैं, लोग आते हैं और हम लोग को अभिनंदन करता है, मैं भी कर देता हूं, लेकिन हमने तो खुल के कहा, मेरा जिला अध्यक्ष ने प्रेस करके कहा कि उनको 2000 में ही 2020 में ही निकाल दिया गया, उसका फोटो किसके किसके साथ है, कल उन्होंने जारी भी किया था, लोग देखे भी थे कि आरजेडी के महासचिव, प्रदेश के महासचिव के साथ, आरजेडी के प्रदेश महासचिव के साथ वो सम्मिलित है, लोग वो बता रहे थे कि वो उस पार्टी में सम्मिलित भी है। और ये फोटो स्पष्ट बताता है कि जिस लोगों को बचाने का जदयू के नेता का खेल खेल रहे हैं, जिसका नाम लोग ले रहा है कि अपराधी को भगाने की भूमिका निभाया, नगर परिषद के चेयरमैन है, अब उसके बेटे के साथ उस अपराधी की फोटो है, और फोटो जब निकलना शुरू हुआ है तो फोटो बड़े लीडर वहां के बड़े जनप्रतिनिधियों के साथ भी नजर पाएगा, तो फोटो की कहानी से अपराधी को बचाने का खेल और वरगलाने का खेल न करे। मैं तो कहता हूं कि मेरे दल का कार्यकर्ता हो, मेरे परिवार का सदस्य हो, पहले भी मैंने सदन में कहा है, खुल करके कार्रवाई करो और सजा दो, वरगलाने का खेल बंद करो। आपने कहा कि विजय सिन्हा का बालू का साइड चलता है, खुला चुनौती है माननीय सांसद ललन बाबू, आपके जो जदयू के जिला अध्यक्ष और लटक हैं,
जो कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मिलित रूप से कर रहे थे, एक भी बालू से जुड़ा हुआ मेरा या मेरे परिवार का प्रमाण है तो आप सार्वजनिक करिए, और नहीं करते हैं तो फिर माफी मांगिए और इन लोगों पर कार्रवाई करिए। ये अपराधियों को बचाने के लिए आप डायरेक्शन को डाइवर्ट मत करिए, क्योंकि लखीसराय में ये पहली नरसंहार नहीं है। कई लोगों की हत्या जमीन के कारण, बालू के कारण, दारू के कारण हो रहा है, और ये सिंडिकेट पूरे प्लानिंग वे में वहाँ हत्याओं का दौर चला रहा है। वहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है इस सिंडिकेट के तोड़ने का, इस पर कार्रवाई कराने का। आप उच्च स्तरीय जांच कराइए, निर्दोष रहेगा तो फिर भयभीत क्यों हो रहे हैं? क्यों सीबीआई से जांच कराने से भाग रहे हैं या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से? जो एसपी बचाने का खेल खेल रहा है, वो एसपी कार्रवाई कैसे करेगा? वो तो आपके दबाव में, आज लखीसराय हो, मुंगेर हो, बार हो, या जो हस्तिनापुर के गुलाम हो, वो तो जो आका बोलेगा वही गुलाम करेगा। जहां ये स्थिति है, आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यही है कि पूरी तरह से पांचवा दिन बीत गया, अपराधी पकड़ाया नहीं है। और मैं कह देना चाहता हूं कि अगर जो अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई, और माननीय मुख्यमंत्री जी, वही लखीसराय में नरसंहार हुआ था, बालू नरसंहार, आप ही के बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उन्होंने मुआवजा ही नहीं दिया था, नौकरी भी दिया था। जरा फाइल निकलवाइए, और अपराधियों के गोली से मरने वाला ये गरीब ब्राह्मण का परिवार उजड़ गया, डेली कमाने खाने वाला था। किसी भी जाति का मृतक हो, जो अपराधियों की गोली से मरता है, घायल होता है, उसका परिवार उजड़ता है, सरकार उसको मुआवजा कम से कम 5 लाख रुपया दे। और इसको लेकर के मैं लखीसराय से शुरू करूंगा कि महागठबंधन के रीजन में जो इतने अपराध बढ़े हैं और अपराधियों की गोली से मरा है, उस अनाथ बच्चे और विधवा को मुआवजा देने के लिए महाधरना का कार्यक्रम करूंगा। और मुआवजा नहीं दीजिएगा तो फिर ये लोग सामूहिक रूप से जन आंदोलन पूरे बिहार के अंदर चलेगी, क्योंकि गृह विभाग आपके जिम्मे है, आप लोगों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। बिहार के अंदर हत्याओं की दौड़ चल रही है, अब तो अपराध पहले नुक्के छुप करके रात्रि में होता था, अब अपराध खुलेआम दिन में। आज नालंदा आपके गृह जिले के अंदर एयरफोर्स के जवान का घर के आगे ही गला रेत करके 1 बजे दिन में हत्या कर दिया। इसी तरह की घटना जमुई के अंदर, दो दो लोगों को गोली मार देती है, मौत हो जाता है। एक दिवाकर यादव को चैलेंज दे करके प्रशासन में जाकर वो शिकायत करता है, फिर भी आकर के घर पर गोली मार देता है। गिरोह सब आपके सत्ताधारी दल से जुड़ा लोग हैं। क्यों कार्रवाई से आप हस्तिनापुर का गुलाम, भ्रष्ट प्रशासक को जो थाने का डाक लगाता है और खुलकर वसूली करता है, ऐसे लोगों को, ऐसे निकम्बे लोगों को आप लखीसराय के अंदर बैठाते हैं? जिले के अंदर अच्छे पदाधिकारी को आप क्यों नहीं बैठाते हैं? आज लखीसराय हो, बेगूसराय हो, जमुई हो, मुंगेर हो, आप तमाशा बना करके रख दिए हैं। वैशाली के अंदर जवाब देना होगा मुख्यमंत्री जी को, और गलत आरोप लगाने का विपक्ष आपके आरोप से नहीं घबराता है, खुला किताब है, खुल करके जांच कराइए। सत्ता में आप बैठे हैं कि बालू माफिया विजय सिन्हा है, या बालू माफिया आपके सत्ता में बैठा लोग हैं, राजद और जदयू से जुड़ा लोग, बालू और दारू से ये सिंडिकेट कौन अरबपति और खरबपति बन रहा है? हर थाना प्रभारी करोड़पति बन गया।
इस पर आपका बयान आना चाहिए और उच्च स्तरीय आप जांच कराएं, और नहीं जांच कराएंगे तो जन आंदोलन शुरू होगा। मुआवजा हर हाल में देना होगा, क्योंकि आपके लापरवाही से, प्रशासन की गैर जिम्मेदारी से इन लोगों की मौत हुई है। और आप मुआवजा का घोषणा करें, एक सप्ताह के अंदर नहीं करेंगे तो एक नया जन आंदोलन शुरू होगा। देखिए, आज मुख्यमंत्री कहते हैं कि पत्रकार सब डरे सहमे हैं, केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मेरा जिला अध्यक्ष पूरे प्रमाण के साथ प्रेस किया, एसपी वहां का सिंडिकेट माफिया लोगों को डराता है कि गलत अगर जो तुम कुछ भी बयान चलाओगे पीड़ित परिवार का, सच को उजागर करोगे तो मनीष कश्यप के तरह तुमको भी जेल जाना पड़ेगा और तुम पर कार्रवाई भी हम करेंगे। और इस तरह का एक माहौल वो बनाने का, भयभीत करने का, आप राजद के मानसिकता को पहले भी जानते हैं कि प्रेस मीडिया के घर में घुसकर कैसे उसको प्रताड़ित करता था, कैसे लोगों को उठा लेता था। ये स्थिति जंगल राज में लोग ने देखा है। अब धीरे धीरे बिहार जंगल राज से मुख्यमंत्री, जिसको जनता राज कहते हैं, वो गुंडा राज में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता को झूठे केस में लोग कहा कि आपका अनुसूचित जाति का केस कर देंगे, जमानत तक नहीं होगा, प्रशासन हमारा केस को छुएगा तक नहीं, आप हमारे बारे में बोलेंगे तो। लेकिन ये लाइसेंस नहीं मिला है कि किसी व्यक्ति को आप डराने का, धमकाने का, एक सामाजिक राजनीति कार्यकर्ता गलत के विरुद्ध आवाज उठाता है या प्रेस मीडिया के लोग, तो उसको आप गाली दें, उसको धमकाएं, उसको मारने का प्रयास करें, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतंत्र पर हमला है। और इस तरह की मानसिकता, ये गुंडा राज को स्थापित करने का हम विरोध करते हैं। आप, मैं जांच कराने के लिए तो कह रहा हूँ, आपने देख रहे हैं कि बालू से जुड़े कौन लोग हैं। पटना राजधानी के अंदर हर दिन हत्या हो रही है, आप नीलेश यादव के हत्या में कौन सा बालू सिंडिकेट के लोग हैं। आज इस तरह के कई, एक और हत्या में हम लोग गए थे विक्रम के अंदर, हमारे सांसद रामकृपाल यादव जी थे, वो भी बालू के सिंडिकेट से ही। कई ऐसी घटना है, लखीसराय हो, पटना हो, जमुई हो, आज एसआई को कौन रौंदा है ये। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये बालू सिंडिकेट का लाइसेंस जिसको मिला है, जिसके साइट पर मर्डर होता है, गोली चलती है, उसका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं होता है और वैसे लोग को भी नामजद अभियुक्त क्यों नहीं बनाता है। क्यों बचाने का खेल है, क्योंकि सत्ता में उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी है। नाम लेंगे तो कई लोगों का चेहरा उजागर होगा। आप सब जानते हैं क्या जितनी हत्या है उसमें उसका नाम छन करके आ रहा है, लेकिन ये सब तो उसके लटक हैं, चमचे बेलचे हैं। असली चेहरा जहां माल का, कमाई का बड़ा भाग जाता है सत्ता में, उसका चेहरा सीबीआई से, जांच से उजागर होगा। सरकार का हिम्मत है और सरकार मेरी चुनौती को स्वीकार करे और इसकी उच्च स्तरीय जांच करा दे, सच सामने आ जाएगा। और कोई सवाल है तो